क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत कॉस्मस और डैमियन का पर्व मनाते हैं। तीसरी और चौथी शताब्दी के संत माने जाते हैं। ये दोनों भाई जुड़वा थे और इन्हें विज्ञान तथा सभी दवाओं का ज्ञाता माना जाता था, क्योंकि इन्हें सभी चीज़ों के बारे में बहुत अधिक पता था। लोगों की सेवा के लिए इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लोगों की सेवा करते थे, उन्हें मुफ्त में दवाइयां बांटते थे, लेकिन उनसे एक रुपए भी नहीं लेते थे। एक समय की बात है, जब ये दोनों भाई लोगों की सेवा कर रहे थे, उसी समय इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और दोनों के हाथ पांव बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। परंतु चमत्कारिक तरीके से दोनों किनारे तक पहुंच जाते हैं और वापस से लोगों की सेवा करने लगते हैं। एक समय जब एक व्यक्ति का पांव कट चुका था, तब ये दोनों भाइयों ने उस पांव को पहली बार जोड़ा था, इसलिए यह चमत्कारिक रूप से कार्य किया करते थे। ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, ईश्वर के बताए हुए आज्ञाओं पर चलते हुए अपने आप को मानव सेवा के लिए समर्पित किया। क्रिस्तीय लोग ही नहीं परंतु गैर क्रिस्त भी प्रभु पर अपना विश्वास जताने लगे और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने लगे। इनका जीवन पीड़ामय रहा। अपने विश्वास के कारण, प्रभु पर विश्वास के कारण इनकी मृत्यु हुई। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, जो कि लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि लोगों की सेवा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। आमीन।